दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द होने के बाद मुकाबले के बाद टीम इंडिया को मिली है दो बेहद ही बुरी खबर तो क्या है खबर की पूरी जानकारी कौन सी दो बुरी खबरें भारतीय टीम को मिली है मैच रद्द होने जाने के बाद बताते हैं इस वीडियो में अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों भारतीय टीम इस समय टी वर्ल्ड कप में अपने प्रैक्टिस मुकाबलों की प्रैक्टिस कर रही है पहला मुकाबला जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया प्रैक्टिस का उस मुकाबले को भारतीय टीम ने छह रनों से जीता था इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने रन बनाए थे निर्धारित में लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की रनों को डिफेंड कियाको भारतीय टीम ने आसानी से जीत लग सबसे बड़ा जो पड़ा होने वाला था वो दूसरा आईसीसी टी ट्वेंटी इस मुकाबले को ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय को खेलना था उन्नीस अक्टूबर को लेकिन एक तरफ जहां सभी टीमें लगभग प्रैक्टिस करने में जुटी हुई है भारतीय टीम के लिए मुकाबला रद्द होना भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर इसलिए बन गई क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की आखिरी प्रैक्टिस मुकाबला था यहाँ अपने खिलाड़ियों को टेस्ट कर सकती थी भारतीय टीम लेकिन अब भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों को नहीं कर पाएगी क्योंकि भारतीय टीम यह मुकाबला खेल ही नहीं पाई रद्द हो गया मुकाबला दोस्तों जो बुरी खबर है दोस्तों वो निकल कर आ रही भारतीय गेंदबाजों से भारतीय गेंदबाज जो गेंदबाजी पूरी तरह से वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं थे उनको इस मुकाबले से तैयार किया जाना चाहिए था और समी को भी टेस्ट कर सकते थे टीम इंडिया के शानदार कप्तान रोहित शर्मा वो भी नहीं टेस्ट कर पाएंगे क्योंकि यह मुकाबला पूरी तरह से रद्द हो गया ऐसे में दोस्तों यह बुरी खबरें निकल कर रही है जो कि भारतीय टीम के टी वर्ल्ड कप के पूरे के पूरे कार्रवाई पर इफेक्ट डालेंगी आपको क्या लगता है टी वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिलेगी या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद